अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ अंजला, आप देख रहे हैं आदिवासी के। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस रमज़ान में जो ये लॉकडाउन है, इसकी वजह से मस्जिदें नहीं खुल रही हैं, तो आप तरावियाँ घर में कैसे पढ़ें, अकेले कैसे पढ़ें और जमात में कैसे पढ़ें। इस साल मस्जिदें बंद हैं, तो ये मत समझना कि तरावी नहीं पढ़नी है। तरावी पढ़नी है, लेकिन घर में पढ़नी है। अब वो घर में कैसे पढ़नी, मैं आपको बता देता हूँ। आप ये ना सोचें कि 10 दिन या 15 दिन पढ़नी है, आपको पूरे रमज़ान तरावी पढ़ना ज़रूरी है। नंबर एक, अगर आप अकेले हैं तो अपनी तरावी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अगर आपके घर में एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप जमात बना के भी पढ़ सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, आपको तरावी पढ़नी है घर के अंदर, आप अपनी तरावी पढ़ सकते हैं सूरतों के साथ। अगर आपको 10 सूरतें याद हैं तो आप 10 तरावी में 10 सूरतें पढ़ लें, फिर जो 10 तरावी रह जाती हैं उनके अंदर भी उन्हें ही रिपीट कर लें। अगर आपको 10 से कम याद हैं, 4 या 2 या 6, तो आप ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप उन्हीं को रिपीट करके अपनी तरावी पढ़ सकते हैं। नंबर दो, अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं और कोई नमाज पढ़ाना जानता है, तो आप घर के अंदर जमात बनाकर नमाज भी पढ़ें और तरावी भी पढ़ें। घर में नमाज पढ़ाने के लिए कोई भी इमाम होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई नमाज पढ़ाना जानता है तो वो इमाम बन जाए और सब मुक्तदी बन जाएं। इस तरह आप नमाज भी पढ़ें और तरावी भी अदा करें। अगर किसी को नमाज पढ़ाना आता है लेकिन उसे सूरतें कम याद हैं, 10, 4, 6, तो आप उन्हें रिपीट कर लें, तो आप जमात बना के पढ़ें, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। आपको ये छोटी सी बात समझ में तो आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।